अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम आए हुए थे डैन्यूब, यहाँ रियाद का डैन्यूब था, ये हमारे मलज में थोड़ा करीब में ही है, तो हम लोग इस वाले डैन्यूब में ही विज़िट किए थे और काफ़ी अच्छा बना है। वैसे डैन्यूब तो कहीं पे भी है वो अच्छा ही होता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स आए हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं और यहाँ से जो जो चीज़ें लेनी है शुरू कर दें, क्योंकि बकरीद आने वाली है, तो ऑयल, राइस, जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उसको स्टोर करके रख लेना है। और डैन्यूब में ना क्रॉकरीज़ बहुत ही अमेजिंग रहती हैं, प्राइस भी बहुत अमेजिंग रहता है, वैसे उसका अच्छा खासा प्राइस भी यहाँ पे रहता है, पर उसके अकॉर्डिंग वैसी चीज़ भी रहती है। और यहाँ पे फेस मास्क पे भी बहुत अच्छा ऑफर लगा हुआ था, 12 रियाल 14 रियाल के फेस मास्क जो हैं जो आपको अभी जो है 8 रियाल में मिल जा रहे थे, तो ईद का मौका है तो जिसे लेना है ले सकते हैं, अच्छी बात है। और इससे जो है आपके फेस ग्लो करेंगे। मैं तो कुछ कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे फेस स्किन पे बहुत सी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। और इधर क्रॉकरी तो मैं क्या बताऊँ, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिनर सेट्स हैं, कुकवेयर्स हैं और कुकिंग वेयर्स के भी बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ है, और डिनर सेट तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत ही खूबसूरत हैं। और देखें थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, पर प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ें भी वैसे ही हैं, उनकी डिज़ाइंस भी बहुत प्यारी हैं और अच्छी प्राइस पे रहती तो वैसे डैन्यूब की प्राइस तो हमेशा से ही हाईफाई रहती है। और ये बच्चों के शैम्पू हैं, थोड़े से फंकी बॉटल्स बना देते हैं ना, तो बच्चों को कैच करने के लिए कि अब देखें बच्चे ना उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। और ये कितने क्यूट से हेयर ब्रश हैं, सब बच्चों के ही हैं, तो थोड़े से फंकी बना के ना ये बच्चों को अट्रैक्ट ज़रूर कर लेते हैं। मॉलिनेक्स का ये था, और फूड प्रोसेसर तो नहीं कहेंगे, छोटा ही था साइज़ में, 199 में इसका ऑफ़र में लगा हुआ था। मॉलिनेक्स वैसे भी एक अच्छी ब्रांड है, तो कुछ चीज़ों पर थोड़ी बहुत ऑफ़र लगी हुई थी। और ये देखें टिफाल का भी सेट रखा हुआ है, इस पर कोई ऑफ़र नहीं था वैसे। और ये कुकिंग वेयर्स थे, इस पर बहुत ही अच्छी वैराइटीज़ हैं, काफ़ी हैवी पैंस थे ये, और काफ़ी हैवी है देखें इनकी, और इनका लिड ये ग्लास लिड नहीं है, सबसे अच्छी बात है, जो आजकल ना जितने भी मिल रहे हैं सब पे ग्लास लिड होते हैं, वो थोड़े में भी कभी आपने थोड़े से आपसे हो गया तो गिर गए तो फिर ब्रेक हो सकते हैं, पर इनके सारे लिड स्टेनलेस स्टील के ही थे। और यहाँ पे ये डेल्सी पे कुछ थोड़े और बहुत ऑफर लगे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पे देखें ये कटलरी सेट्स भी बहुत प्यारे थे, और ये सारे स्पून्स के देखें कितनी प्यारी वैरायटीज़ हैं, कॉपर में ही हैं, और 5 रियाल्स में जो मिलते हैं ना उनके तो पेंट्स चले जाते हैं, पर इन ये अच्छे क्वालिटीज़ के हैं तो इनके पेंट तो नहीं जाने हैं, तो इसलिए और भी अच्छे लग रहे थे। और कलरफुल थोड़े से गोल्डन और ब्रॉन्ज कलर के जो होते हैं ना, तो अलग ही उनके लुक आते हैं। और अफ़ान को तो ना बस अब आप देखें, बच्चों का ना जिधर से टॉय सेक्शन शुरू होता है ना उनकी अपनी ही मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, और बच्चों के साथ आना ना तो यही होता है। और इधर ये देखें जैनमाज का भी इन्होंने थोड़ा सा रखा हुआ है, वैरायटीज़ हैं और अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी और जो दूसरी जगह पे आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे इनके पास ये सारी चीज़ें क्वालिटी वाली होती हैं। और इधर एहराम के भी सारे रखे हुए हैं और अच्छी क्वालिटी के एहराम इनके पास होते हैं। और इधर थोड़ा सा, इधर तो बेडशीट्स और बेडिंग्स का सेट था, पर इधर थोड़ा सा इनके पास बच्चों का टॉय सेक्शन भी था, तो इधर टॉयज़ की भी वैरायटीज़ थी, काफ़ी थी। और इधर इन सब चीज़ों पे कोई भी ऑफ़र नहीं था डैन्यूब में, और वैसे वेजिटेबल्स पे और इन सब पे, फ्रूट्स पे, इन सब पे अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं अभी डैन्यूब में। और डैन्यूब के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वालिटी भी वैसे थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी कम आपको कंपैरिजन टू पांडा लुलू से, थोड़े से एक्सपेंसिव रहेंगे, एक दो रियाल का फ़र्क रहता है, पर इनकी क्वालिटी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी होती है। तो बनाना हम लोग को एज़ यूजल लेना था बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे जो है ना फ्रूट्स में बनाना ज़्यादा ईट करते हैं, एप्पल्स और ज़्यादा मेलन और ये जो हैं ऑरेंजेस, ग्रेप्स नहीं पसंद करते, तो जो चीज़ें खाते हैं ना हम लोग बस वही लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें नहीं खानी है तो फिर यूज़लेस है, उस पर मनी वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उधर हम लोग इधर अपना शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे मेरे उधर टॉय सेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, सारे टॉयज़ को ना इन्हें ट्राई कर लेना है, और कितने भी टॉयज़ आप बाय करते रहना, बच्चों का दिल कभी नहीं भरता, वैसे हमारा भी बचपन में यही हाल होता था, हमारी भी चीज़ कितनी भी चीज़ें अपने पास होना, पर टॉय सेक्शन में जा कर के खोना ना ये ज़रूरी होता था। और यजान को तो ना बस हम लोग ने अब ट्रॉली के अंदर इस तरह से बैठा देना है, तभी आप इजली शॉपिंग कर सकते हो, वरना वो भी अब मिस्टर ना गायब हो जाते हैं इधर आकर।
यहाँ पर गार्लिक पे बहुत ही अच्छा ऑफर आया हुआ था, 1 रियाल 95 हलाला में बैग था। और ये सब चीज़ें ना बकरीद में अच्छी खासी यूज़ होने वाली हैं, और जिंजर गार्लिक अनियन और टोमेटो सैलेड के लिए, तो कुछ चीज़ें हैं ना जो अच्छे से आप रख लें, क्योंकि बकरीद में फिर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे इनकी ज़रूरत होगी। तो जहाँ जो अच्छे ऑफ़र हैं तो लेकर के रख लेते हैं। तो यहाँ देखें ग्रीन वेजिटेबल्स की कितनी अच्छी वैरायटी है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। हम लोग ने तो धनिया की पत्ती ली और क्या खुशबू थी, बहुत ही अच्छी मिल गई थी। और मूली देखें कितनी अच्छी मूली, एकदम फ्रेश फ्रेश सी लग रही है, और सीजनल नहीं कहेंगे, सीज़न तो इसका जा चुका है, पर अच्छी मूली थी। और बटर पे भी अच्छा ऑफ़र था, तो बटर पे तो एज़ यूजुअल ऑफ़र आते रहते हैं, सभी जगह आते रहते हैं। और इधर देखें हमारी भिंडी को कितनी इज्जत से रखा गया है, और ये हमारे यहाँ देखें भिंडी कैसे होती है, यहाँ पे कितनी इज्जत से सबको सेल किया जा रहा है। पर इनके पास ना वेजिटेबल सारी बहुत ही अच्छी होती हैं, और थोड़ी सी 1 से 2 रियाल का फ़र्क होगा, पर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे ही जद्दा में बिंदाउद होता था, बिंदाउद और डैन्यूब के ऑफ़र सेम ऑलमोस्ट सेम होते थे, तो हम लोग के घर के करीब तो वैसे बिंदाउद था, तो हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग बिंदाउद से ही करते थे। और यहाँ पर ये आयरन स्टैंड था, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए काफ़ी हैवी भी है, और उसके साथ साथ प्राइस भी वैसे ही काफ़ी हैवी है। और ये छोटा वाला था, और इतना लाइट वेट तो ये भी नहीं था, 100 के अंदर इसकी प्राइस रेंज थी। और कपड़ों का ड्राई स्टैंड मैंने अभी तक नहीं लिया, मैं अभी तक देख रही हूँ, और इतना लाइट वेट था, जो कि मैंने वहाँ पे नून पे चेक किया था ऑलमोस्ट वैसा ही था, और यहाँ पे इसकी प्राइस जो थी 145 थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये सेम क्वालिटी मैंने वहाँ नून गेट पे जब ट्राई की थी और वहाँ पे चेक की थी, तो वहाँ पे 45 to 55 रियाल में था। तो मैं बस ऐसे एक्सप्लोर करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ। तो इधर परवेज ने जो भी वेजिटेबल्स ली थी, जो चीज़ें थी, सबका वेट करा रहे थे। तो और इधर हम लोग को मिल्क लेना था, फिर हम लोग मिल्क सेक्शन पे आ गए थे। तो काफ़ी बड़ा डैन्यूब है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा साइज़ का था। तो ये अच्छा बात थी कि हम लोग को सारी चीज़ें मिल गई, वरना ये हम लोग के डर रहे थे कि कहीं अगर ये छोटे साइज़ का होगा तो फिर हम लोग को दूसरे डैन्यूब जाना पड़ेगा जो थोड़ी दूर पे है, तो ये चीज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इधर देखे कोकोनट वाटर का बॉटल भी है ना, इन्होंने कोकोनट की डिज़ाइन पर ही बनाई है। और ये वाले आजकल ना कप्स बहुत चले हुए हैं, और बच्चों को ना हर तरह की ट्रेंडी चीज़ों करना बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, और नुमान को तो इस तरह की चीज़ों का बहुत ही शौक है। पर अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो ये ग्लासवेयर का मुझे बड़ा डर लगता है कि आपके हाथ से बस गिरा और ये टूट गया, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कि मैं थोड़ा सा ग्लास की चीज़ें ना मैं थोड़ा सा कम यूज़ करना चाहती हूँ, कि थोड़ा सा भी बड़े हो जाए। नुमान तो कर सकते हैं, पर अभी अफान और यजान भी फिर ना यूज़ करना चाहेंगे और फिर ब्रेक हो जाएगा। पिज़्ज़ा पे देखें, ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा है और ये 13 रियाल पे इनका ऑफ़र चल रहा है सनबुल्ला का, तो मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें आपको फिर एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें आपको फिर से डालनी पड़ जाती हैं। यहाँ पे मुहद्दिब और राइस जो है वो ऑफ़र में आई थी, इंडियन राइस है, हम लोग उसी को चेक कर रहे थे। तो इधर देखें ये सारा जो है बारबेक्यू सेक्शन था ये, और इधर जो है पिकल्स है, हमारा इंडियन सेक्शन है, और इधर से सारा फ्रोज़न आइटम स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, और अच्छे साइज़ का बना है, जैसे एज़ यूजुअल डैन्यूब की साइज़ होती है, तो उसी तरह का था, काफ़ी बड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इस वजह से मिल भी गई, वरना तो हम डर रहे थे कि पता नहीं मिल पाता है कि नहीं। हम यहाँ पर क्लिक फ्लायर ऐप यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम चेक करते रहते हैं कि किस में क्या ऑफ़र रहते हैं, और उससे ना बहुत ही ईजली आप ले सकते हैं सारी चीज़ें। और लीफलेट तो रहता ही है, पर इसमें भी आप ईज़ली चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा बेटर हैं प्राइस में। तो वही परवेज़ हमेशा चेक करते रहते हैं फ़ोन पे। तो ये स्पेशल प्राइसेस पे यहाँ पे राइस लगी हुई थी, करनाल राइस, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी राइस होती थी, अब इसकी भी इतनी ज़्यादा प्राइस हो चुकी है, जो कि डेली में यूज़ की जाती थी। और इधर यहाँ चीज़ पर अच्छा ऑफ़र लगा हुआ था, और राइस हम लोग को मिल नहीं रही थी और ऑलमोस्ट ख़त्म थे, क्योंकि मुहद्दिब काफ़ी दिनों बाद इतने अच्छे ऑफ़र में आई थी, बकरीद का टाइम है, तो इस वजह से काफ़ी लोग राइस के लिए ही आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरा बेकिंग सेक्शन है, यहाँ देखें ये इनके स्वीट्स हैं, और यहाँ पेस्ट्रीज़, पूरा हर फ्लेवर के पेस्ट्रीज़ हैं, और बहुत ही अच्छी पेस्ट्रीज़ होती हैं डैन्यूब की, और इनके केक भी बहुत ही अच्छे होते हैं देखें। तो यहाँ तो इतना ज़्यादा सेल दिखती नहीं है डैन्यूब में और बिंदाउद में केक की, पेस्ट्री की, तो कभी कभी इतनी फ्रेश नहीं होती हैं,
तो इसलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करते हैं। लूलू में जितनी ज़्यादा सेल है बेकरी सेक्शन की ना, उतनी यहाँ ज़्यादा दिखती नहीं है, और इसी वजह से वैरायटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं डेलियों में, यही वजह होती है। और यहाँ देखें आयला तक है, और फाइनली हमें मिल गया मुहद्दिब, और देखें सिर्फ 10 kg वाला सिर्फ 3 bags लेफ्ट थे। तो यहाँ पे चीज़ का बहुत ही अच्छा ऑफ़र था, तो हम लोगों ने अब बच्चे आए हैं ना, तो बच्चों की तो ज़िद होती है कि वो तो लेके ही जाना है, तो मैं ज़्यादातर खाती हूँ, और 1 pay 1 free था, ये चीज़ सबसे अच्छा ऑफ़र चल रहा था। और अगर आप 1 buy करते हैं तो 1 free है, तो 1 चीज़ नुमाना फ़ान के लिए हो गई थी, ये लोग चीज़ सिर्फ प्रेफर करते हैं, तो चीज़ का जो कि एज यूजुअल प्राइस होती है 8 riyal समथिंग, तो इनकी वही प्राइस थी, और ज़्यादातर जो था वो 5 riyal का था, तो 5 riyal में आपको 2 ज़्यादातर मिल गए, और 8 something जो भी प्राइस थी उसमें 2 चीज़ हो गए, तो ये बहुत ही अच्छा था। ये फ्रेश आपके सामने ही बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर बिंदाऊद आए और इस यहाँ आए ना, तो हम लोग तो बिना लिए जाते नहीं है, क्योंकि स्नैक हो जाता है शाम का। तो इधर बच्चे मेरे आए हुए हैं ब्रेड लेने, ब्रेड का काम जो है अफान और नुमान की ड्यूटी है, दोनों आकर के ना चेक करके एक्सपायरी डेट, और ये खुद ही लेते हैं, और हमेशा माशाल्लाह सिलेक्शन कर लेते हैं। और उसके बाद फेवरेट सेक्शन आ जाता है बच्चों का, कोल्ड ड्रिंक्स, और यहाँ पे ड्रिंक्स की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम भी बहुत ढीले पड़ गए थे ना, जब पहले 1 riyal की हुआ करती थी तो पानी कम पिया जाता था, उसकी जगह पे ना मिरिंडा पेप्सी ये ज़्यादा हो जाता था। कैंडल्स बहुत प्यारे लग रहे थे, पर कैंडल्स 6 riyal 8 riyal के सिंगल कैंडल्स, जो कि 5 riyal पे आप चले जाना तो 1 riyal और 3 riyal मैक्सिमम 3 riyal के अंदर आपको मिल जाते हैं। यजान को ना अभी पिक्चर क्लिक्स कराने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया, जैसे आप फ़ोन करें ना वो सीधे हो जाता है कि चीज़ मेरी पिक्चर क्लिक कर लो। और अफ़ान का फेवरेट सेक्शन है, अफ़ान का पूरी ज़िद हो रही है कि पापा पूरा बॉक्स ले लो, और बस उसको ना वाटर की जगह पेप्सी और कोको कोला उसका फेवरेट है, बस वही ड्रिंक करना है। और ये देखें ये होता है इनका तंदूर, और हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है। मैंने सोचा ये चीज़ें काफ़ी लोग कम शेयर करते हैं, तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। और ये देखें कितने एक्सपर्ट होते हैं ये, किस तरह से यहाँ पे तंदूर में, और इसमें आप पिज़्ज़ा भी बनवा सकते हैं, पिज़्ज़ा का भी था, पर हम लोग को चीज़ और ज़्यादातर का ज़्यादा वो लगा हुआ था, और इस वजह से हम लोग ने उसका ऑर्डर किया था। ये देखिए हमारा ऑर्डर रेडी है, और ये यहाँ की टिपिकल स्वीट्स हैं देखें, और ये यहाँ पे इसी तरह की स्वीट्स खाई जाती हैं, तो ये ऑलरेडी पैक है, सारी रखी गई हैं, और हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है हाइजीनिकली। यहाँ देखें कितनी साफ़ सफाई से सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं कि आपको बाहर खाते ना कभी डर नहीं लगता है। और ये देखें ये सारे, ये 2 चीज़ हो गया, 1 के साथ 1 चीज़ free था, और 1 जो भी लेंगे सेम, उसमें हर जितनी इनके पास वैरायटी हैं तो हर पे आपको, जैसे आप पिज़्ज़ा अगर ले रहे हैं तो पिज़्ज़ा के साथ दूसरा पिज़्ज़ा फ्री है, तो इसी तरह से था। और पिज़्ज़ा भी इसी साइज़ का होता है, नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है, तो ये देखें ये इन्होंने ऑर्डर रेडी कर दिया है, माशाल्लाह कितना यमी लग रहा है। और एक और दूसरे आए थे, उन्होंने सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो वो उधर उनका ऑर्डर रेडी हो रहा है, तो बहुत ही फास्ट सर्विस होती है, बहुत ही फास्ट ही करते हैं, और कितना बड़ा इनका तंदूर होता है, इस वजह से काफ़ी फास्ट हो भी जाता है। इधर हम ऑर्डर कर देते हैं, उधर हम जा कर के थोड़ी शॉपिंग करते रहते हैं, तो तब तक ये रेडी भी हो जाता है, और बच्चों का एक अच्छा स्नैक हो जाता है, और बच्चों के साथ साथ हमारा भी हो जाता है। शाम के टाइम पर आए थे ना, तो शाम के टाइम पे अच्छा हो जाता है, और प्राइस रेंज भी सही है। तो ये यहाँ का टिपिकल ज़ातर होता है, ज़ातर एक मसाला होता है, उसको ऑलिव ऑयल में डाल करके, और ये तंदूरी रोटी होती है जिसमें ऑलिव ऑयल और ज़ातर स्पाइसेस को ऐड करके ये बनाया जाता है। तो ये देखें इन्होंने पैक कर दिया, और ये माशाल्लाह ये देखें 1 के साथ 1 फ्री, और ये बड़ा काफ़ी दिनों बाद इस तरह का ऑफ़र मिला है, वरना जल्दी मिलता नहीं है। तो हमेशा अभी पहले ये 4 riyal 5 riyal के होते थे, और चीज़ भी, पर अभी तो हर चीज़ें महंगी हो रही हैं ना, तो सब चीज़ें ही महंगी हो गई हैं। तो माशाल्लाह हमारा ऑर्डर रेडी है, और चलें बस हो गई शॉपिंग कंप्लीट। और शॉपिंग के साथ ना जब इस तरह की चीज़ें खाने की मिल जाती है ना, तो मज़े ही मज़े हो जाते। फिर हम आ गए थे ऑयल चेक करने, ऑयल पे भी यहाँ पे आफिया पे ऑफ़र था, तो हम लोगों ने ऑयल भी ले लिया, क्योंकि ऑयल भी ज़रूरी है। पर तमीमी में ऑयल और भी ज़्यादा अच्छा ऑफ़र आया हुआ है, तो अगर आप वहाँ पर ऑयल लेंगे 3 liter का ऑयल, आपको उस पर इससे बेटर ऑफ़र है तमीमी में। तो हमारा तो ये था कि अब तमीमी कौन जाता है, तो इधर ये और थोड़ा सा ही फ़र्क हो रहा था। और अफ़ान अपनी शॉपिंग में लगा रहता है, उसको ना अपनी, और इस तरह की चीज़ें ना जाते जाते ना बच्चों के लिए रख देते हैं,
कि इस तरह यहाँ पे चीज़ें जो हैं अपना कैशियर पे रख रहे हैं काउंटर पे, और बच्चे इस तरह की चीज़ें ले करके ना फिर इनको ज़िद हो जानी है कि इनको वो चीज़ लेनी ही लेनी है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग हो गई थी और डैन्यूब का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम मैं रियाद के डैन्यूब आई हूँ, वरना परवेज़ अकेले ही आते थे, तो इस बार मैंने भी सोचा मैं भी चलती हूँ देखती हूँ कि रियाद का डैन्यूब कैसा है। वैसे ऑलमोस्ट सेम ही होता है और जैसा जद्दा में था वैसे ही है, तो कोई न्यू चीज़ें नहीं होती हैं। और जैसा एक ब्रांड होती है तो ब्रांड का हर जगह उसी तरह का ही होता है, उसमें क्या डिफरेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़े से ऑफ़र डिफरेंट होते हैं। और फाइनली यजान फ्री हो गए ट्रॉली से, तो बस फिर मस्तियाँ चालू हो जाती हैं। अगर आप ट्रॉली पे ना रखें ना तो फिर शॉपिंग भी नहीं हो पाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और परवेज़ एक बार भी चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गलत हो जाती हैं और काउंटर पर तो कभी मिस्टेक हो जाती है किसी से, तो इसलिए रीचेक कर लेना चाहिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यजान को देखें बस अब माशाल्लाह निकल लिए। अब इसका बस वही डर लग रहा है कि कहीं इसको फिर से ट्रॉली पे यजान को ना बैठा दिया जाए, इस वजह से रन करके सीधे आप निकल लो आगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का भी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।